दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। अभी मेरे पास शशिकांत का कॉल आया था, वो मेरे को लिए आके शायद कहीं जाने वाला है। मैंने जगह पूछा लेकिन उसने बताया नहीं, तो चलिए देखते हैं कहाँ लिवा के जाने वाला है। और आप लोग भी ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये मेरे लिए भी सरप्राइज है और आप लोगों के लिए भी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहे हमारे शशि भैया, चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि ये हमें कहाँ लिवा के जाने वाले हैं। तो कहाँ लिवा के जाने वाले हैं आप हमें? सरप्राइज फॉर यू ऑल और ये सरप्राइज हम आपके लिए। आइए चलते हैं, चलिए देखते हैं कहाँ लिवा के जाता है। तो चलिए वीडियो आखिरी तक देखिएगा। अब तो गणेश बाग भी निकल गया, पता नहीं कहाँ लिवा के जाने वाला है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ तो भाई प्लीज़ आप तो बता दें कि कहाँ लिवा के जाने वाला है। अरे सरप्राइज है यार, आगे चल के खुद ही पता लग जाएगा। नहीं तो सरप्राइज है, तो आप भी वीडियो पे आखिरी तक बने रहिए, देखते हैं कि कैसा सरप्राइज है। काफ़ी टाइम से मेरा मन हो रहा था कोई सुकून वाली जगह पे चलूँ, तो आज चलते हैं। चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी सुकून वाली जगह है। वैसे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बैठो तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, तो चलिए देखते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। अभी आ चुके हैं हम लोग हनुमान धारा के नीचे और यहाँ पे स्कूटी खड़ी करके सोचा फोटो वोटो शूट कर लेते हैं। खाली रोड है, अभी ज्यादा रोड भी नहीं। और ये हमारे शशि भैया पोज दिए हुए भी खड़े हैं, फोटो इनकी क्लिक करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं और आगे वीडियो शुरू करते हैं। कुछ तो बात है, इन पहाड़ों में अजीब सा सुकून है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पोज मैं दे रहा था और भाईजान हमारे पहुंच गए। तो आपने फोटो खिंचाई है तो हमारा भी एकदम सही बात। चलो क्लिक करो हमारी, देख सकते हैं नजारा, मतलब वाकई फोटो शूट के लिए बेस्ट जगह है ये। सीधी सी बात है, आप देख सकते हैं सन एकदम फ्लैश की तरह काम कर रहा है और हम इस डायरेक्शन पे फोटोज ले रहे हैं। आप देख सकते हैं क्लियरिटी व्यू, देखिए क्या आने वाला है। चाहिए राम घाट लेके भाई, यार पहले क्यों नहीं बताया अबे। मैंने लगा थोड़ा सा सरप्राइजिंग है तेरे लिए। और हम लोग राम घाट आ चुके हैं और यहीं पे मेरे को लिवा के आने वाला था। एक्चुअली मेरा शंकर जी का दर्शन करने का मन हो रहा था। अच्छा चलो अभी शंकर जी के दर्शन करने जाएंगे, ऊपर जूते चप्पल उतार लेते हैं। तो अब हम चलने वाले हैं मत गजेंद्र नाथ जी का मंदिर है, ये मत गंजन स्वामी के नाम से जाना जाता है। राम घाट के में ही ये स्थित है मंदिर। और इसके बाद यहाँ पे 7:30-8 के आसपास राम घाट पे आरती भी होती है। तो आइए शंकर जी के दर्शन करते हैं। हर सोमवार यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्रों से शंकर जी का अच्छे से स्वागत करते हैं। देख सकते हैं मंदाकिनी नदी कितनी प्यारी लग रही है, नदी पर चलती है रंग बिरंगी नाव, चार चांद लगा रही है। और ये पावन चित्रकूट जिस ब्रिज पर लिखा हुआ है, ये ब्रिज का निर्माण अभी हाल ही में हुआ है। यहाँ से नज़ारा कुछ और ही मनमोहक है। तो आइए एंट्री करते हैं मंदिर की ओर। ये मंदिर देख सकते हैं, काफी पुराना मंदिर है शंकर जी का। सोमवार के दिन यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। एक शंकर जी की शिवलिंग ये रही। भीड़ का वक्त हो ही रहा है और यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। यहाँ पे श्री शिव, ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, और यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। बहुत ही पावन भूमि है अपनी चित्रकूट, धर्म और आस्था पे सबसे ज्यादा ऊपर, इसलिए इसे धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही पवित्र और आत्मा से शुद्ध लोगों से भरी ये चित्रकूट धाम अति मनमोहक है, जिसका सौंदर्य रामघाट
चित्रकूट, राम दर्शन, सती अनसुईया, गुप्त गोदावरी, ये चार चांद लगाते हैं। हर वर्ष यहाँ लाखों लोग आकर यहाँ पर भ्रमण करते हैं और आनंद लेते हैं इसकी खूबसूरती का। चित्रकूट की घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करत रघुवीर। सामने आप देख सकते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइटिंग है, वहीं पे यहाँ की शाम की आरती होती है। आरती के साथ साथ यहाँ पे कीर्तन भजन हर दिन होते रहते हैं, जैसे कि आप बैकग्राउंड पे सुन पा रहे होंगे। अमावस के दिन लाखों लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए सबसे पहले रामघाट पर स्नान करते हैं। स्नान करने के लिए यहाँ उचित व्यवस्थाएं बना रखी गई हैं, जैसे कि स्नान के टाइम पे रेलिंग्स, आप पोल्स देख सकते हैं, सामने पोल्स लगे हुए हैं कि उसके आगे आपको नहीं जाना है। यहाँ पे वस्त्रालय, जहाँ पे आप अपने कपड़े बदल सकती हैं महिलाएं, हमारी माँ बहनें, तो बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। मैं तो आप सबसे कहूँगा इस नगरी में पधारिए, आपका स्वागत करती है ये चित्रकूट नगरी। जैसे कि आप देख सकते हैं आरती स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट शुरू हो गया है। और यहाँ पे काफी सारी दुकानें हैं और ये है आरती स्थल। धीरे धीरे भक्तगण यहाँ पे आते जा रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि भीड़ होना शुरू हो गई है। ये देखिए, और आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी की कितनी बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है, आपको दिख रहा होगा। ये है हनुमान जी की मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति है ये। शाम ज़्यादा हो चुकी है और अंधेरा भी हो रहा है, तो सोचे अब हम घर जाते हैं, क्योंकि अंधेरे में वीडियो ऐसे भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपको आज का हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकॉन तो दबाना भूलिएगा नहीं।